हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंचल अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने डेट पर जाती है। दोनों बीच पर हाथों में हाथ डाले समुद्र किनारे डूबते सूरज को देख रहे होते हैं। तभी चंचल अपने पेट पर हाथ रख के बोलती है, अंकुर ये सूरज तो सो गया लेकिन मेरे पेट की ज्वालामुखी जाग उठी है। भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चलो फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर डिनर में तुम्हारा फेवरेट खाना खाते हैं। अरे यार डिनर तो डिनर के टाइम पर होगा ना, अभी तो इस पेट को शांत करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। देख वहाँ पर एक पापड़ी चाट वाला है, चल वहीं चलते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। चंचल तुम हमारी डेट पर मुझे ये सड़क चाप चाट खाने को कह रही हो, मतलब भूख लगी है तो कुछ भी खा लोगी? ओहो हो हो, कौन से किताब में लिखा है कि डेट कर रहे कपल चाट नहीं खा सकते? और एवं तुम फालतू के नखरे दिखा रहे हो। अरे जिसे तुम सड़क चाप चाट कह रहे हो ना, देखो उसी को लेने के लिए कैसे भारी भरकम भीड़ लगी है। अब चलो समझे? अरे अरे पर चंचल उसे खींच कर उस चाट की दुकान पर ले जाती है और दो प्लेट पापड़ी चाट लेकर दोनों खाने लगते हैं। तभी चंचल चटकारे लेते हुए बोलती है, अरे वाह क्या चटपटी चाट पापड़ी बनाई है भैया, मन तो कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। चूम के तो दिखाओ, मैं तुम्हारे बाल ना नोच लूं और वैसे भी इतनी खास भी नहीं है। हाँ हाँ तो अपनी वाली में से भी मुझे खिला दो ना, वैसे भी झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अच्छा ये बात है, तो फिर चाट क्या तुम मुझे भी खा लो। रहने दो मैं तुम्हें हजम नहीं कर पाऊंगी, फिलहाल तो तुम मुझे ये पापड़ी चाट ही खिला दो। तभी अंकुर उसे मुस्कुराते हुए अपने हाथों से पापड़ी चाट खिलाता है और प्यार से उसके होठों पर लगी सॉस को अपनी उंगलियों से साफ भी करता है। रात का डिनर करके वो घर लौट जाती है। सुबह नाश्ते में उसकी माँ शालिनी फ्रूट चाट लेकर आती है, जिसे देखकर चंचल का चेहरा चमक जाता है और वो कहती है, क्या बात है, रोज रोज सब्जी रोटी खिलाने वाली मेरी कंजूस माँ ने आज महंगे महंगे फलों की चाट बनाई है। मजा ही आ गया, आज तो सेहत बनेगी मेरी। आहा हाथ पीछे रख, तेरे लिए नहीं है ये? मेरे लिए नहीं तो किसके लिए बनाया है आपने? किस माई के लाल नहीं, तेरी माँ ने अपने लिए बनाया है। वो मैं वजन कम करने के लिए आज से डाइट पर जा रही हूँ इसलिए। बस करो माँ, आपकी सेहत को क्या ही जरूरत है डाइट करने की, और आपको किसने कहा कि चाट खाने से वजन कम होता है? मेरी मानो तो इस उम्र में आप वजन की टेंशन पालो ही मत और ये मुझे खाने दो। साइड में खाना पड़ा है वो नहीं ठूसा जा रहा, चाट को क्या देख लिया तब से उसी पर नजरें टिकाए बैठी है। अरे माँ चाट दिखाकर रोटी खाने को कहोगी तो किसका मन करेगा, आपको तो पता है ना मुझे चाट चाहे जैसा भी हो, देखते ही बस मुँह में पानी आ जाता है। हाँ चाट की तुझ जैसी कोई चटोरी तो है ही नहीं, ले ठूस ले। इतना कहकर शालिनी फ्रूट चाट की प्लेट उसके आगे रखती है और चंचल फट से फ्रूट चाट को चट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। चंचल एक बहुत ही चटोरी लड़की थी, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक उसी तरह चंचल को तरह तरह का चाट खाना पसंद था, लेकिन वो सिर्फ खाना ही जानती थी क्योंकि बनाना कभी उसने सीखा ही नहीं था। एक दिन चंचल अपनी पड़ोसन मालिनी की साड़ी वापस करने उसके घर जाकर बोलती है, आंटी मालिनी आंटी घर पर हो या नहीं? अरे कौन बुला रहो है मोहे? अरे चंचल तू आ बैठ। आंटी बैठने नहीं आई, वो आपकी साड़ी उड़कर हमारी छत पे आ गई थी, वही वापस देने आई हूँ, ये लो साड़ी। हाय राम, ये साड़ी तेरी छत पर पड़ी थी और मैं इसको घर में ढूंढ ढूंढ कर बावरी हो रही हूँ। आंटी बड़ी चटपटे से खुशबू आ रही है आपके किचन से, कुछ खास बनाया है क्या? हाय हाय तेरी नाक तो कुत्तन से भी तेज है, और टिंकू के पापा के मारे मैंने घर में ही दही पापड़ी चाट बनाई है। ये बाहर का खावे है ना तो इनके पेट में गैस बनने लगता है, जा मारे मैंने घर में ही बना दी, अब तू आई है तो चखती जा। इतना कहकर वो किचन से उसके लिए दही पापड़ी चाट की एक प्लेट लेकर आती है और चंचल को देती है। फिर क्या था, चटोरी चंचल देखते ही पूरी प्लेट को चट कर जाती है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती हुई वहाँ आकर बोलती है, चंचल अरे ओ चंचल
मालिनी मेरी चंचल को। हाय राम, मैंने इसको साड़ी लौटाने भेजा था और ये यहाँ प्लेट चाटने बैठी है। अरे कभी तो अपनी चटोरी जुबान को आराम दे दिया कर। माँ, मैं तो साड़ी देकर घर ही आ रही थी, लेकिन तभी आंटी ने मुझे दही पापड़ी चाट चखने को कहा, तो मना कैसे कर देती। हाँ, आंटी ने कहा और तू बैठ गई चाट खाने। चल घर जाकर अपना कमरा समेट। माफ करना मालिनी बहन, तुम्हारे घर में चिल्ला रही हूँ। चल अब। आंटी वैसे थोड़ी चाट है तो कटोरी में रख कर दे दो, मस्त बनी है एकदम। तभी चंचल उसके कान मरोड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाती है और घर आकर बोलती है, चंचल तूने मुझे दुखी कर दिया है। घर तो घर, अब तू चाट खाने के लिए पड़ोसियों के घर भी मुंह उठाए चली जाती है। इतनी ही पसंद है चाट तो खुद बनाना सीख ले। एक तो मेरे कान आप रिमोट की तरह मरोड़ते हुए यहाँ तक मुझे ले आई और अब मुझे खरी खोटी सुना रही हो। जाओ, मैं नहीं करती आपसे बात। फिर गुस्से में पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली जाती है और उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगले दिन वो दोपहर के समय किचन में पहुँचती है और उसकी माँ के कहने पर वो खुद से चाट बनाने की कोशिश करती है। शुरू शुरू में उसे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ना सिर्फ चाट बनाना बल्कि अलग अलग तरह की चाट बनाना सीख जाती है। समय बीतता है और अंकुर चंचल का हाथ मांगने अपनी माँ अंजनी के साथ उसके घर आता है। तभी चंचल उन्हें अपने हाथों की बनाई आलू चाट खिलाती है और अंजनी बोलती है, अब तक तो अंकुर से चंचल के सुंदरता के बारे में ही सुनती थी, लेकिन ये आलू चाट खाकर तो मालूम पड़ गया मुझे कि तेरे हाथ में बड़ा स्वाद है। हाँ बहन जी, बहुत कम टाइम में सब बनाना सीख लिया इसने और चाट तो ऐसी बनाती है कि सब हाथ चाटते रह जाएंगे। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ समय में ही चंचल अंकुर की शादी हो जाती है। अब ससुराल में आने के बाद चंचल को अपनी सास और पति को चाट बनाकर खिलाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन अंजनी की पड़ोसन बातचीत करने के लिए घर आती है तो चंचल उसके लिए कटोरी में चाट बनाकर लाके बोलती है, लो कटोरी चाट। हाय हाय, भला मैं क्यों कटोरी चाटू? अरे अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको कटोरी चाटने के लिए नहीं कह रही, बल्कि कटोरी चाट खाने के लिए कह रही हूँ। अरे बहू, अपने चाट के पिटारे में से ये कौन सी अजीब गरीब चाट निकाल लाई? अरे वही तो, मैंने तो पहली बार सुना है इस कटोरी चाट का नाम। अब सुन लिया तो खाकर भी देख लो और इसके दीवाने ना हो जाओ तो कहना। उसके इतना कहने भर की देरी होती है कि दोनों उस कटोरी की चाट को चखती हैं और खाकर चंचल की बहुत तारीफ करती है। समय बीतता है। एक दिन दोनों सास बहू मार्केट में शॉपिंग करने निकलती हैं। तभी चंचल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा होता है, ये है सास बहू चाट प्रतियोगिता। इसमें भाग लेने वाली सास बहू की जोड़ी को मिलेगी एक फ्री चाट रेसिपी बुक और विजेता सास बहू को मिलेंगी दो कांजीवरम साड़ियाँ। आइए आइए और मौके का फायदा उठाइए। सासू माँ चलिए ना, इस सास बहू चाट कंपटीशन में हम भी भाग लेते हैं। अरे ओ चटोरी, जहाँ चाट का नाम आया नहीं कि मुंह उठाए चल देती है, मैं नहीं जा रही। सासू माँ नखरे क्यों दिखा रही हो, चलो ना। अकेली तो मैं भी चली जाती और प्रतियोगिता जीत कर ही घर आती, लेकिन वो क्या है ना कि इस कंपटीशन में सास बहू दोनों का जाना लाजमी है। अकेला जाएगा तो हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और आपको पता है जीतने वाले को कांजीवरम साड़ियाँ मिलेगी। अरे इतनी महंगी साड़ी आपको फ्री में मिल रही है, चलो ना। चंचल की बात मानकर अंजनी उसके साथ चल पड़ती है। वहाँ जाकर दोनों सास बहू एक चाट के ठेले के पास खड़ी हो जाती है। तभी वो आदमी बोलता है, जो सास बहू 5 मिनट में सबसे ज्यादा प्लेट चाट खाएगी वो इस सास बहू चाट प्रतियोगिता की विजेता बनेगी। सभी सास बहू प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं। वहाँ खड़ी सभी सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है, लेकिन अंजनी और चंचल का ध्यान तो बस चाट की प्लेट पर होता है। प्रतियोगिता शुरू होते ही दोनों सास बहू चाट की प्लेटों पर टूट पड़ती है और फटाफट चट कर जाती है और आखिर में पूरे 10 प्लेट चाट खाकर उस प्रतियोगिता को जीत जाती है।
और दोनों अपना पेट पकड़ते हुए अपने इनाम की कांजीवरम साड़ियाँ ले आती हैं। तभी अंजनी बोलती है, अरे चटोरी बहू, तेरे चक्कर में मेरा पेट तो फटने को हो रहा है। हाँ सासू माँ, मेरे पेट का भी यही हाल है। हाय, इतनी ज्यादा चाट खा ली है ना कि अगले 2 महीने तक तो चाट की शक्ल देख के भी उल्टी आएगी मुझे। सही कह रही है, इस चाट ने तो हम दोनों की वाट लगा डाली। अप्रैल की थोड़ी सी गर्मी और मंद मंद चलने वाली हवा का मौसम था। इसी बीच ऋषि के घर वाले मिष्टी नाम की एक सुंदर सी लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। मिष्टी घर के सारे काम बखूबी तरीके से निभाया करती थी। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से आकर ऋषि अपनी टाई को खोलते हुए अपनी माँ कमला और मिष्टी से कहता है, माँ मिष्टी, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या हुआ बेटा, बता। माँ, मुझे अचानक से यहाँ से पुणे शिफ्ट होना होगा, काम के सिलसिले में। बर्फी के भैया, क्या कह रहे हैं आप? हाँ यही सच है मिष्टी। माँ, मुझे कुछ टाइम तक वहाँ काम करना है और एक गुड न्यूज भी है। बता बेटा। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बर्फी के भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है बेटा, तेरा यही मतलब है ना कि तू कल ही पुणे चला जाएगा रहने के लिए? हाँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, मिष्टी बहू एक बात याद रखना, तुम्हें अपना और ऋषि का दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ माँ जी, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे बर्फी के भैया का। कुछ ही देर के बाद सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन दोनों अपना बैग पैक करके जाने के लिए रवाना हो ही रहे होते हैं कि तभी, अच्छा माँ, अपना ख्याल रखना और जब मन करे फोन कर लेना हम दोनों को। हाँ बेटा, मैं सब कर लूँगी, तू चिंता मत कर। और सब सामान रख लिया ना याद से? ये ले, तेरे लिए बेसन के लड्डू। ले बहू, रख ले जल्दी से इसे। जी माँ जी। माँ, अगर आपको याद आए तो कुछ दिन बर्फी को यहाँ बुला लेना, आपका मन भी लग जाएगा। अरे बेटा, वो कहाँ आएगी अपने ससुराल को छोड़कर। कुछ ही घंटों के बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं और ऋषि कंपनी की तरफ से मिले हुए एक घर में मिष्टी के साथ रहने के लिए पहुँच जाता है। और वो दोनों जब घर का दरवाजा खोल रहे होते हैं कि तभी गली के कुछ लड़के मिष्टी के हाव भाव को देख कर उस पर लट्टू हो जाते हैं और बंटी नाम का एक लड़का छज्जे से उसे इस कदर घूर रहा होता है कि जैसे ही ऋषि और मिष्टी अपने घर में घुसते हैं तो मिष्टी को देखने के चक्कर में बंटी छज्जे से झांकते हुए नीचे गिर जाता है और फिर कहता है, अरे राम, मर गया मैं। मेरी कमर टूट गई रे, बड़ी जोर से लगी है उस पलाई खा के। तभी उसके पास हर्षु आता है और बोलता है, अरे भैया, ये आप धरती पर ऐसे बिछे काहे पड़े हैं? अरे क्या बताएं, हम एक बहुत ही सुंदर हूर की परी को देख रहे थे, उसी को देखते देखते छज्जे से गिर पड़े रसमलाई खा के। ऐसी कौन सी हूर की परी आई है जिसकी वजह से आपकी ये दशा है, जरा हमें भी तो मिलवाइए। क्या बताएं, अभी अभी उस सामने के घर में रहने आई है, मैं तो मिलने जरूर जाऊंगा थोड़ी देर में रसमलाई खा के। भैया हम भी जाएंगे, हमें भी लेकर चलना। ऋषि और मिष्टी घर की सफाई करके फिर खाना खाने के लिए बैठते हैं। ऐसे में ऋषि कहता है, मिष्टी तुम्हें तो सब नया नया लग रहा होगा ना, शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हें ऐसा रहना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बर्फी के भैया, अब आप जहाँ हम वहाँ, अब काम भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ मिष्टी, इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है वो। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और जैसे ही मिष्टी दरवाजा खोलती है वहाँ पर बंटी खड़ा होता है। अरे आप कौन है और क्या काम है? अच्छा अच्छा, कहीं आप बर्फी के भैया से तो नहीं मिलने आए, उनसे काम है क्या कोई? अरे ये बर्फी के भैया कौन है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ रसमलाई खा के। अरे बर्फी के भैया को नहीं जानत, अरे हमारे हेयर बैंड है। आपके पति हैं? ओहो, उसे हेयर बैंड नहीं हस्बैंड कहते हैं रसमलाई खा के। सही बोले हैं। अरे मिष्टी कौन है बाहर? अरे एक भैया आए हैं। अच्छा भैया अंदर हैं, ठीक है भाभी जी हम चलते हैं। और हाँ, हमारा नाम बंटी है रसमलाई खा के। वक्त बीतता जाता है, ऋषि अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है और ऐसे ही एक दिन ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऑफिस में लंच कर रहा होता है और मिष्टी के हाथ के बने खाने को खाकर उसके सारे दोस्त उससे बोलते हैं,
अरे वारिशी, क्या जबरदस्त खाना बनाया है भाभी ने, कभी हमें भी बुला घर पर। अरे हाँ हाँ, जरूर बुलाऊंगा, मिस्टी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे ऐसा कर तू, भाभी से हमारा टिफिन ही ले आया कर, हम रोज उन्हीं के हाथ का खाना खाएंगे अब। ऋषि अपने दोस्तों की बात मानकर मिष्टी से टिफिन पैक करने की बात करता है, तो मिष्टी कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप, सच में आप हमारे हाथों का बना खाना ऑफिस ले जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे? अरे फ्रेंड नहीं, इट्स फ्रेंड होता है मिष्टी। हाँ, उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम टिफिन का बिजनेस ही ओपन क्यों नहीं कर लेती। मिष्टी अपने पति की बात सुनकर उसके ऑफिस के दोस्त और एम्प्लॉयज के लिए टिफिन पैक करना स्टार्ट कर देती है। अगले ही दिन ऋषि सबके लिए टिफिन ले जाने की कोशिश करता है, मगर ले जाने में उसे कुछ दिक्कतें होती है कि तभी उसे देखते हुए हर्षु उससे कहता है, अरे भैया ये क्या, आप अकेले इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे भाई तुम हो कौन, मैं कर लूंगा, थैंक यू। अरे भैया हम आपके प्यारे पड़ोसी हैं और इसी गली में रहते हैं, आप दीजिए ना, हम सही से ले जाएंगे। ऑफिस ही ले जा रहे हो ना? हाँ वहीं जा रहा हूँ, एक काम करोगे? हाँ भैया बताइए ना। तुम रोज ये सारे टिफिन मेरे ऑफिस ले आया करोगे, मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। वाह भैया लॉटरी लग गई मेरी तो, अगर इनके घर रोज टिफिन लेके जाऊंगा तो भाभी जी के रोज दर्शन हो जाएंगे और फिर हम उनसे मीठी मीठी बातें भी करेंगे। वाह हाँ भैया जी दिखा दो। इतना बोलकर ऋषि उसे अपने ऑफिस ले जाता है और हर्षु को टिफिन सर्विस का काम मिल जाता है। अगले ही दिन से हर्षु रोजाना मिष्टी के घर पहुँच जाता है। अरे बर्फी के भैया, ये कौन है? ये हर्षु है, अब से रोज घर आकर यही टिफिन ले जाया करेगा मिष्टी, मैंने टिफिन सर्विस का काम इन्हें ही दे दिया है। अच्छा तो अब से ही हर्षु भैया टिफिन सर्विस का काम करेंगे। मिष्टी टिफिन सेल्फिश नहीं, सर्विस कहते हैं इसे। सही बोले हैं बर्फी के भैया। कुछ ही देर के बाद ऋषि के साथ हर्षु सारे टिफिन को लेकर पहुंच जाता है और ये टिफिन का बिजनेस उसका यूं ही चलता रहता है। और ऋषि के ऑफिस जाते ही गली के दो चार लड़के मिष्टी की भाभी जी कहकर उससे बात करने के लिए उसके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी फिर से उनके घर आता है और कहता है, भाभी जी घर पर हैं क्या, रसमलाई खा के? हाँ बंटी हम घर पर ही हैं, बोलो क्या काम है? वो कहा है ना भाभी जी, हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए। अरे यहाँ चीनी नहीं, टिफिन का बिजनेस चलता है। मालूम है भाभी जी, वो कहा है ना, हम चाय बना रहे थे तो चीनी खत्म हो गई, रसमलाई खा के। इसी तरह वक्त बीतता जाता है, मिष्टी का टिफिन बिजनेस अब तरक्की करने लगता है और इस तरह वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर संडे के दिन भी हर्षु आ जाता है और प्यार से दरवाजे पर कहता है, भाभी जी घर पर हैं? क्या भाभी जी, क्या काम है तुम्हें उनसे? वो भैया जी हम तो टिफिन लेने आए थे। अरे आज संडे है, कोई टिफिन नहीं है, भूल गए क्या? अच्छा तो भाभी जी को तो बुला दीजिए। क्या काम है तुम्हें मिष्टी से? अरे भैया जी वो हमें भूख लग रही थी इसलिए हम आ गए। उन दोनों की बातें सुनकर मिष्टी हाथों में पूजा की थाल लिए वहाँ आती है और कहती है, अरे आपको भूख लगी है तो पहले क्यों नहीं बताए? बर्फी के भैया हम उन्हें खाना खिला देते हैं, बेचारे बहुत भूखे हैं। इस तरह मिष्टी और ऋषि उसे अंदर ले जाते हैं और मिष्टी उसे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है और गली के लड़के मिष्टी के पास आकर उससे बात करने के लिए आ जाया करते थे, कभी उसे अपनी बालकनी से ताड़ा करते तो कभी उसका बालकनी में कपड़े सुखाने का इंतजार किया करते। कुछ हफ्तों के बाद ऋषि के ऑफिस का काम यहाँ का सारा कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वापस अपनी माँ के पास लौट जाते हैं। साथ ही साथ मिष्टी के टिफिन का बिजनेस भी वो वहीं पर ही चलाना शुरू कर देती है और इस तरह से भाभी जी के आशिकों की गली हमेशा के लिए सुनी सुनी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।